कानपुर में 3 दिन से लापता नाबालिग का शव कल्याणपुर थाने से चंद कदम की दूरी पर मिला है, जो नाले में पड़ा हुआ था। बेटे की तलाश में जुटे परिजन इलाकाई लोगों की सूचना पर पहुंचे, खुद ही शव की शिनाख्त की। इसके बाद उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। परिजनों को आरोप है कि उनके बेटे की हत्या हुई है। राजकीय उन्नयन बस्ती यानी कि CTS में रहने वाले राजेश कुमार ने बताया कि उनका बेटा अभय सिंह उर्फ काडू, जिसकी उम्र 17 साल है, 29 जुलाई को लापता हो गया था। उन्होंने कल्याणपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस नाबालिग की गुमशुदगी दर्ज करके बैठ गई, लेकिन परिजन बेटे की तलाश में सुबह से शाम तक दर दर भटकते रहे। सोमवार शाम को उन्हें जानकारी मिली कि कल्याणपुर थाने से चंद कदम की दूरी पर बगिया क्रॉसिंग के बगल वाले नाले में एक शव मिला है। परिजन मौके पर पहुंचे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने शव की शिनाख्त बेटे अभय के रूप में की। सूचना पर कल्याणपुर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों ने इलाके की एक महिला उसकी नजदीकियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। वहीं कल्याणपुर थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने बताया कि लापता नाबालिग का शव नाले से बरामद हो गया है। परिजनों के आरोप के आधार पर संदिग्ध महिला समेत अन्य से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही हत्याकांड का खुलासा करके आरोपियों को जेल भेजा जाएगा।